वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है अंकित नरेल और मैं आपके लिए क्या आया हूँ, हिमाचल प्रदेश सेक्शन 118, आखिर ये धारा 118 है क्या? देखिए जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हिमाचल प्रदेश में आजकल बर्निंग इशू है कि ये जो सेक्शन 118 है असल में ये है क्या, और इस पर क्या गहमा गहमी चल रही है आजकल। और देखिए जो सेक्शन 118 है वो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के नजरिए से। तो इसके इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि ये लैंड असल में सेक्शन 118 है क्या, ये कब लागू हुई थी और इसका क्या वजह थी इसको लागू करने की जो सरकार की, और ये किस तरह से हिमाचल प्रदेश का भविष्य तय करेगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, HS, नायब तहसीलदार, जितने भी बच्चे हैं 2018 में एग्जाम देने वाले, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक इस पर अलग वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, और काफी बच्चों ने कहा भी था कि सेक्शन 118 पर धारा 118 जिस पे आजकल काफी बात चल रही है उसके ऊपर इस डिस्कशन किया जाए, तो मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत जस्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर बेल आइकन प्रेस करें। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए आप चैनल को मतलब जरूर हमारे अपने जो भी फेसबुक पेज है या आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी मतलब जरूर प्रमोशन जरूर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का, और एनकरेजमेंट हमें मिलेगी। ठीक है, इसलिए जरूर वीडियो को शेयर करें और जरूर ऐसी ऐसी वीडियोज को जरूर मतलब अपने फ्रेंड्स या फेसबुक पेज पर शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अब सेक्शन 118 की अगर बात की जाए, तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो पे अगर मैं अभी क्या चल रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो 118 है, देखिए विधानसभा पर उसमें काफी आजकल डिस्कशन हुआ, और बजट से पहले अगर बात की जाए जो हमारे मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने ये कहा भी था कि जो सरकार है वो मतलब ये जो सेक्शन 118 है इसको लागू करने के बारे में मतलब इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है। अब देखिए बदलाव क्यों करना चाहती है, कोई भी कानून है उसमें बदलाव किस लिए किया जाता है कि मतलब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, और मेन पर्पस है ईज ऑफ डूइंग करना हिमाचल प्रदेश में, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। अब देखिए सेक्शन 118 का जो विरोध है मतलब उसमें बदलाव का विरोध जो आपकी विपक्ष है वो कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सेक्शन 118 असल में है क्या। तो देखिए असल में इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आपको जाना पड़ेगा। देखिए 1972 में हिमाचल प्रदेश में देखिए एक विशेष कानून बनाया गया था, और जिसके तहत ऐसा ना हो कि बाहरी संपन्न लोग हिमाचल प्रदेश में धड़ाधड़ जमीनें खरीद लें और उस समय आर्थिक रूप से कमजोर हिमाचल के लोग तुरंत पैसा पाने की चाह में अपनी जमीन बेच दें। तो देखिए 1972 में असल में क्या हो रहा था कि जितने भी अदर स्टेट्स के रिच पर्सन हैं वो हिमाचल प्रदेश के जो अच्छा मतलब इतना अच्छा वातावरण है और इतनी अच्छी जमीन है यहाँ की, तो उसके लिए मतलब वो उस जमीन को खरीदना चाहते थे, और काफी ऐसा चल भी रहा था उस समय। तो उस चीज को रोकने के लिए 1972 में ये कानून लाया गया कि जितने भी अदर स्टेट्स के पर लोग हैं वो यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनसे जमीन नहीं खरीद सके। ठीक है, और स्पेशली ये था जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको बचाने के लिए। ठीक है, असल में जो आशंका ये थी कि अन्य राज्यों के, ये मैंने डिस्कस किया यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी, और ये एक सरकार के चिंता का विषय था कि अगर लोग ये चीज बेच देंगे, ठीक है, अगर वो जमीन दे देंगे तो जो जितने भी हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो अपनी जमीन खोकर, क्योंकि उनके पास एग्रीकल्चर ही एक जरिया था, अगर वो भी बेच देंगे तो उनके पास कुछ कमाने का मौका नहीं रहेगा। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि देखिए इसको लागू क्यों किया जा रहा था, और ये 1972 में लागू हुआ। सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में रखने वाली है कि कब ये लागू हुआ, ठीक है, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है कि 1972 में सबसे पहले ये लागू हुआ था। ठीक है, और ये सारा जमीन से रिलेटेड मामला है, ताकि देखिए अब जैसे कितने खूबसूरत पहाड़ हैं ऐसे एरियाज में लोग चाहते हैं, जो अमीर लोग हैं वो ये चाहेंगे कि वो रिजॉर्ट बनाएं या कोई भी चीज इनकम का सोर्स जो बाहरी स्टेट्स के हैं। तो एक्चुअली जो हिमाचल के वीकर लोग थे या जो भी वीकर सेक्शन था या जितने भी जो भी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे मैक्सिमम लोग, वो अपनी जमीनें ना खोएं। और देखिए असल में हुआ क्या, आपको ये समझना होगा, देखिए जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे उस समय के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, ठीक है, उनके समय ये कानून लाया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, और असल में डॉक्टर परमार से कुछ ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, असल में कुछ लोगों ने अपनी जमीन अदर स्टेट्स के लोगों को बेच दी, और असल में
बेचने के बाद वो उसी लोगों के घर नौकर बन गए थे। तो ये बहुत ही एक मतलब खराब बात थी। और इसी के तहत जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 है, ठीक है, इसमें आप समझिएगा, देखिए टेनेंसी लैंड एक्ट एंड रिफॉर्म एक्ट 1972, मैंने हिंदी वालों के लिए भी टाइप किया है इसलिए, तो इंग्लिश वालों को यहाँ पढ़ सकते हैं, तो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, उसमें एक स्पेशल प्रावधान किया गया, मतलब चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिससे जो हिमाचली हैं वो सुरक्षित हों। तो इस बात को समझिएगा कि हिमाचल प्रदेश टेनेंसी लैंड फॉर्म जो एक्ट था 1972 का, उसमें एक विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है। और स्पेशल जो ध्यान देने वाली है, इस एक्ट में जो 11th अध्याय था, ठीक है, वो उसका नाम था कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं अपने इंग्लिश वालों के लिए, कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है, याद रखिएगा। और देखिए इसमें ये आती है धारा 118, और इसको ऐड किया गया, और इसके तहत जितने भी गैर कृषकों की जमीन हस्तांतरित करने पर रोक है, जितने भी गैर कृषक हैं वो अपनी जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां पर देखिए सेक्शन 118, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जमीन ट्रांसफर किए जाने पर प्रतिबंध लगाता है जो हिमाचल का कृषक नहीं है। तो देखिए हिमाचल के बाहरी लोगों पर ये सेक्शन 118 प्रतिबंध लगाता है। और जो सरकार है अभी क्या करना चाहती है, इसमें चेंज करना चाहती है, और चेंज वो ये करना चाहती है कि जितने भी बाहरी लोग हैं उनको अलाउ किया जाए, ताकि यहाँ पर अलग अलग फैक्ट्रीज फंड आ सके और ज्यादा से ज्यादा मतलब डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी होगी आपके लिए। और देखिए इसका मतलब ये है कि हिमाचल का गैर कृषक आदमी भी जमीन नहीं खरीद सकता हिमाचल में, ये चीज दिमाग में रखना आपके बहुत ज्यादा जरूरी है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए और दिमाग में आता ही है कि आप बहुत सारे एक फैक्ट्स देखते हैं कि काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाहर से हैं हिमाचल के, लेकिन यहाँ पर काफी सारे मतलब बिल्डिंग्स बनाई हैं, घर बनाए हैं। और देखिए स्पेशल जो इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाले हैं, जितने भी जो सेंट हैं, जो बाबा लोग होते हैं, मैं इस सिंपल लैंग्वेज में कहूँ अगर, तो देखिए उन्होंने काफी सारे आश्रम बनाए हैं, ये आप लोग देखते ही होंगे। तो फिर ये कानून उन पर लागू क्यों नहीं हुआ, जो सवाल सोचने वाला है ये, ठीक है, सवाल सोचने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल, और आपसे पूछा भी जा सकता है कहीं पे कि ऐसा क्यों है, तो उन लोगों ने कैसे खरीदा। तो लेकिन आपको ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि 118 जो कानून है उसमें ये आता है कि हाँ वो गैर कृषक नहीं ले सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी को भी अलाउ कर सकती है स्पेशल केसेस में। तो यहाँ पर देख सकती है धारा, देख सकते हैं धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की इजाजत सिर्फ सरकार दे सकती है, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ सरकारों के पास ही है। तो ये चीज जरूर समझिएगा कि उनको जो अलाउ करती है वो गवर्नमेंट करती है, और सिर्फ गवर्नमेंट ही अलाउ कर सकती किसी भी अदर स्टेट्स के पर्सन को जमीन यहाँ पर लेने के लिए। तो ये पूरा है धारा 118 में, ठीक है। तो इसी वजह से जो सरकार है, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, और जो पहले की भी सरकार थी, उन्होंने धर्मशाला के कई चुनिंदा चाय बागान मालिकों को लैंड सेलिंग एक्ट में छूट देकर जमीनें बेचने की इजाजत दी थी, और कई धार्मिक संस्थाओं को भी, ठीक है, जैसे कि काफी आपने आश्रम देखे होंगे जो अदर मतलब लोगों के नाम पर है, ठीक है। इसलिए कैबिनेट ने सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम में संशोधन किया था, और यही कारण था जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग अधिनियम था, जो कानून था, उसमें भी चेंज किए गए थे। और यही एक कारण है कि सेक्शन 118 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी की जो सरकार है वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से लोग, और वो तभी हो सकता है जब सेक्शन 118 में चेंज किया जाए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और आपको मैं कहना चाहूंगा, देखिए इस पर आज हमने क्वेश्चन सुबह ही अपलोड किए थे, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उसको जाके देखिए, और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल बनाए थे इसके ऊपर, तो आप वो जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और इस वीडियो को जरूर आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो अगर आपका कोई और कोई टॉपिक है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अगर आपने अभी तक हमारी और वीडियोस नहीं देखी है तो देखिए प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, और प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी की भी काफी लोग कह रहे थे कि पहला पार्ट हो चुका है, उसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द लेके आएंगे, ठीक है। और बाकी भी
जो टॉप 25 सीरीज चल रही है वो भी हम लेके आएंगे, उस पर अगला वीडियो भी जल्दी के आएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।